Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video on Commerce Paper 5 and this will be the subject of marketing. So isme hum discuss karenge about the subject of commerce ki exactly marketing mein aapko kaun se modules ke upar focus karna hai, which are the questions which were asked last year in the paper and what will be the important points of the paper coming on the next day. तो किस तरीके से questions पूछे जा सकते हैं, कैसे points के ऊपर आपको ध्यान रखना है, कौन से type के modules में से कैसे questions usually आते हैं, वो सारी चीजें आज के इस session में हम discuss करेंगे, so that आपका एक overall view बन पाए कि exactly कैसे questions पूछे जाते हैं on the subject of marketing. अगर हम marketing के subject की बात करें तो कंपैरेटिवली ये सब्जेक्ट काफी इजी है. आप अपने ओन पॉइंट्स को इसमें लिख सकते हैं एंड आपको इसमें काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप प्रॉपरली आंसर्स को प्रेजेंट कर सकेंगे. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आपका पहला क्वेश्चन होता है, वो आप सभी को पता है ऑलरेडी. तो ऑब्जेक्टिव्स जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना है. ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली आपके बाकी के सारी चीजें जो है मॉड्यूल वाइज पे डिपेंड करेगी. हर मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी मॉड्यूल यू विल हैव सम और द अदर क्वेश्चंस इन द पेपर, बट फ्रॉम वन वन मॉड्यूल यू विल हैव सम ऑप्शंस. जैसे कि फर्स्ट मॉड्यूल पे तीन क्वेश्चंस आए, तीन में से आपको सिर्फ दो ही सॉल्व करने हैं. तो तीन में से जो दो सॉल्व करने हैं उसमें एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में रख सकते हैं, बट बेसिकली ये तीन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आएंगे उसके बारे में भी एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. जब मैं आपको सब पूरा पेपर लास्ट ईयर का जो पेपर आया था एटीकेटी के पेपर के साथ भी डिस्कशन कर लेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. जैसे कि पहला मॉड्यूल की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स वन, मार्केटिंग मिक्स टू, ऐसे आपके मॉड्यूल्स ओवरऑल डिवाइडेड है. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और उसमें समझने का ट्राई करते हैं एग्जैक्टली कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमको पूछे गए थे. सीधा डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं वन वन पॉइंट्स में कि मार्केटिंग का पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछा था उसमें आपको मॉड्यूल वाइज बताता हूं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. चलते हैं सीधा स्क्रीन पे. तो अगर हम मॉड्यूल वाइज बात करें तो मॉड्यूल नंबर वन पे जो क्वेश्चन आया था, तीन क्वेश्चंस मॉड्यूल नंबर वन पे आपको पूछे थे. नंबर वन, व्हाट इज मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस. नंबर सेकंड, व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स. एंड नंबर थ्री, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स टेक्निक्स. देखो अगर हम फर्स्ट मॉड्यूल की बात करें तो फर्स्ट मॉड्यूल में हमको मार्केटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा. जैसे कि मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस यहाँ पे पूछे हैं तो आपको इम्पोर्टेंस आने चाहिए, फंक्शंस आना चाहिए. एक दूसरा भी कंसेप्ट है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो भी आपको आना चाहिए. तो एक इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज बेसिकली आस्क फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. तो मार्केटिंग पे एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, आइदर इम्पोर्टेंस हो सकता है, फंक्शंस हो सकता है, या फिर उसके फीचर्स हो सकते हैं, या फिर एक दूसरा कंसेप्ट है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग वर्सेज ट्रेडिशनल मार्केटिंग. उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है दैट इज फ्रॉम द सब मॉड्यूल सेम, बट ये आया है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर. तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन आया है और उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे पूछे हैं. तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ के रखना है, ऐसे नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट ये कहीं ना कहीं नीचे शॉर्ट नोट्स में अगर पूछे गए तो आपको आ जाएगा. तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, उन्होंने पूछा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, CRM पे, एंड उसमें उन्होंने डिस्कस इट्स टेक्निक्स के बारे में भी पूछा है. तो ये टेक्निक्स जो है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है टेक्निक्स के ऊपर. तो ये तीन क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए थे एंड उसके कंपैरिजन में और भी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है. जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर एक मॉड्यूल नंबर वन का पार्ट है. दूसरा एक पॉइंट है मार्केट सेगमेंटेशन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. ऊपर नहीं तो नीचे लास्ट में शॉर्ट नोट्स में भी आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बन जाती है. तो मार्केट सेगमेंटेशन एज वेल एज आपको कंज्यूमर बिहेवियर, ये दोनों चीज के ऊपर पूछा है जो यहाँ पे नहीं पूछा है. हो सकता है कि यहाँ पे अभी कंज्यूमर बिहेवियर पे और मार्केट सेगमेंटेशन पे क्वेश्चन आ जाए, तो दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. अगर हम मॉड्यूल नंबर थ्री की बात, मतलब मॉड्यूल नंबर टू की बात करें, क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, तो ये आपको पूरा जो है वो मॉड्यूल नंबर टू से आया है.
explain different product life decisions, areas that a firm needs to handle, explain the challenges in service positioning, and state the various pricing strategies in detail. तो ये आपको मार्केटिंग डिसीजंस 1 का एक मॉड्यूल है, मार्केटिंग डिसीजंस 2 का एक मॉड्यूल है. तो अगर मार्केटिंग डिसीजंस 1 के मॉड्यूल की बात करें तो वहां पे आपको प्रोडक्ट, जैसे 4 P's आप सब जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट. तो प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर आपको पढ़ना है. एक ब्रांड इक्विटी के बारे में भी आपको पढ़ना है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट विल ऑल्सो बी आस्क. एक प्रोडक्ट पोजिशनिंग के बारे में आपको पढ़ना है. यहाँ पे सर्विस के बारे में पूछा है, सर्विस पोजीशनिंग. हो सकता है कि अभी प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में पूछे. एक यहाँ पे प्राइसिंग का भी कंसेप्ट है. तो देर आर डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स अवेलेबल. तो प्राइसिंग के जो टेक्निक्स होते हैं या स्ट्रेटेजीज होती है, वहां पे से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. तो ये ओवरऑल आपको इसमें पढ़ना है. नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये आपके मार्केटिंग डिसीजंस 2 में से पूछते हैं. इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक पी से प्रमोशन, और जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स अवेलेबल होता है इफेक्टिव सेलिंग करने के लिए, वो पूछते हैं. इसमें एक दूसरी चीजें भी अवेलेबल है, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ना है. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है, IMC, ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीजें जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो शॉर्ट नोट्स में नीचे पूछा गया हो, लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मॉड्यूल में से. देन सेल्स मैनेजमेंट या पर्सनल सेलिंग, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं ऊपर वाले पॉइंट्स में. तो मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो इस मॉड्यूल से पूछी जा सकती है, विच इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स 2. एक मार्केटिंग मिक्स 1 है, एक मार्केटिंग मिक्स 2 है. अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा है, दैट इज प्योरली फ्रॉम द मॉड्यूल नंबर 4, विच कॉन्स्टिट्यूट्स की मार्केटिंग डायमेंशंस. तो की मार्केटिंग डायमेंशंस में ये सारी चीजें आती है. जैसे कि लास्ट ईयर के पेपर में आए थे, एक्सप्लेन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बाय अ फॉलोअर, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द डिजिटल मार्केटिंग, एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ ब्रांड्स विद सुटेबल एग्जांपल्स. तो यहाँ पे एक मार्केटिंग एथिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा एक ग्रीन मार्केटिंग है, जो इन्होंने डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया. एक रूरल मार्केटिंग है, और आजकल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा फेमस हो रहा है. तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द डिजिटल मार्केटिंग. तो रूरल मार्केटिंग पढ़ना है आपको यहाँ पे, एक डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है आपको यहाँ पे, एक मार्केटिंग एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी आपको पढ़ना है. एंड ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के लिए. एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं. यहाँ पे फेलियर के रीजंस पूछे, हो सकता है कि अभी सक्सेस के पॉइंट्स बता दे, कि सक्सेस के पॉइंट्स पूछ ले कि विच आर द सक्सेसफुल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ ब्रांड, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. या चैलेंजेस फेस बाय द मार्केटिंग मैनेजर्स ड्यूरिंग द 21st century, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो एक मॉड्यूल वाइज काफी चीजें हैं, उसमें से 3 क्वेश्चंस जो है वो हर एक कंसेप्ट के ऊपर वो पूछ रहे हैं, और जो भी उसमें अलग क्वेश्चंस होते हैं वो लोग शॉर्ट नोट में डालते हैं. देखो अभी ऊपर वाले पॉइंट्स में अगर इंपॉर्टेंस पूछा है तो नीचे उन्होंने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डाल दिया, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, विच इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, उसके बेनिफिट्स इधर पूछ लिए. नेक्स्ट है ब्रांडिंग. नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी मॉड्यूल में डिस्कस किया, वो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है. नेक्स्ट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है. एंड एक ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन है, जो आपके मॉड्यूल नंबर 4 का क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है. तो ऐसे आप प्रीवियस ईयर के 2 पेपर्स निकाल के देखिए, आपको दोनों पेपर्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी. एक कोई क्वेश्चन अगर शॉर्ट नोट में है तो कोई क्वेश्चन ऊपर पूछ लिए. इतने सारे भी अगर आप पढ़ के जाते हो तो उसमें से मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि लास्ट ईयर का पेपर पूरा सेम आ जाता है, लेकिन आइदर वो क्वेश्चंस ऊपर पूछे गए तो उसको उठा के नीचे शॉर्ट नोट्स में डाला जाता है, शॉर्ट नोट्स के ऊपर आ जाते हैं. बिकॉज बेसिकली कोई भी पेपर सेटर कोई भी पेपर सेट करे, लेकिन ओवरऑल आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा मॉड्यूल वाइज ही पूछा जाएगा. दैट इज द रीजन आपको ये सारी चीजें पढ़नी है. आई होप कि आपको ये आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, इसमें से आपको एक आइडिया है कि किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है. और आंसर्स की अगर बात करें, आंसर्स कैसे लिखना है वो भी एक 2 मिनट में बता देता हूँ. आंसर्स कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले
डेफिनेशन पूछा तो डेफिनेशन लिखना है, अगर आपको डेफिनेशन नहीं पूछा है तो दो तीन लाइन में उसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग लिखने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, एक 8 to 9 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंक्लूजन देते ही नहीं है, तो लास्ट में आपको एक कंक्लूजन, दो तीन सेंटेंस में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, दैट बिकम्स वेरी इफेक्टिव, और उससे क्या होगा आपका पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स में यूनिक दिखेगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि एक प्रॉपर आंसर फॉर्मेट में इसने लिखा है, मीनिंग लिखा है, फिर बॉडी ऑफ द आंसर लिखा और लास्ट में इसने कंक्लूड भी किया है बाय गिविंग द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो ऐसे आपको थियोरी में आंसर्स लिखने हैं। आई होप दिस सेशन वॉज इन्फॉर्मेटिव, यू ऑल हैव एंजॉय टूडेज सेशन, और आपको कुछ इसमें से जो लास्ट मिनट टिप्स है वो मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसे ही लास्ट मिनट टिप्स आपको चैनल पे मिलते रहती है। मैं मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।